अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, कोई तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। ये कोई तरीका नहीं है। जो विषय आज के बिजनेस में तय है, उस पर बात होनी चाहिए सदन में। वो आसन तय करेगा। सदन के महत्वपूर्ण बिजनेस को रोक के कुछ ऐसी बातें जो आप आसन के द्वारा बार बार नियमन देने के बावजूद भी इस तरह की अगर बातें हो रही, सदन सभी सदस्यों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए सदन नहीं है। आपने 2 मिनट कहा, 12:15 बजे हम अपने बात को रख करके हम बैठ जाएंगे। महोदय, 2 मिनट आपने जिक्र कहा, बोलिए। मंत्री जी के पिताजी का नाम है अर्जुन राय, उन्होंने ये मीडिया में बयान दिया है। तो फिर एक चीज बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष कि सोमवार को दलीय नेताओं की बैठक नहीं करें, जब विषय आप एक मिनट महोदय, किसी माननीय मंत्री के संबंध में चलेगा इस तरह के सत्र में कोई विषय लाना उनके पिताजी के बारे में, और सब आसन को नियमन देना चाहिए। किसी के भी परिवार के लोगों के बारे में नहीं बोला जा सकता है। महोदय, उचित नहीं है। एक चीज, ये गलत परंपरा हो रही है इस सदन में। बैठ जाइए सभी लोग। आप आसन का सम्मान नहीं कीजिएगा। आप आसन का सम्मान नहीं चलेगा। महोदय, 2 मिनट का समय दिया गया, नेता प्रतिपक्ष व्यक्तिगत नाम नहीं, लोकहित से जुड़े विषय है उस पर बात करनी चाहिए, नहीं लेंगे। देखिए, ऐसे भी पहले भी कहा गया है कि किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे। कोई महोदय, ये कोई विषय आज लिस्ट ही नहीं है। ये सुनने का चल रहा है, सारे सदस्य आसन को गाइड किया जा रहा है, और किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ नहीं बोला जाएगा। क्या हो रहा है? नहीं चलेगा इस तरह। क्या हो रहा है? बैठ जाइए नेता। क्या मजाक है? बैठ जाइए नहीं चलेगा तो सदन को नहीं। एक बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ एविडेंस है, और लोग चाहते हैं कि हम एविडेंस ना रखें सदन के सदन में। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पे कार्य स्थगन प्रस्ताव इसलिए लाया गया है। महोदय, ये गंभीर मामला है, इसको सुनना ही होगा सदन को, ये बात को रखना ही पड़ेगा, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पर लोग मारे जा रहे, गरीब दलित परिवार को जेल में ठूसा जा रहा, और सरकार संरक्षित मंत्री जो है वो शराब की बिक्री करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सुनिए, अध्यक्ष महोदय, सुनने का समय कहाँ है? ये तो कार्रवाई का समय है। अब आसन की बात जाना होगा, सुनिएगा तो कैसे होगा? अध्यक्ष, पूरी बात को तो सुना जाए, एविडेंस या मेरी बात को अगर रखने का मौका नहीं मिला तो हम यही समझेंगे कि नहीं चाहा जा रहा कि सबूत को रखा जाए। सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए एक मिनट बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष। अरे अब खड़े हैं नेता प्रतिपक्ष तो आप अलग खड़े हो गए, ऐसे चलेगा? आसन की बात को, आसन को आपको बैठ के सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी इसके संदर्भ में ये विषय पहले भी उठा, इसके संदर्भ में आप लोगों ने मांग किया कि दलीय नेताओं की बैठक बुलाई जाए। सोमवार को 10 बजे दलीय नेताओं की बैठक बुलाई गई है, और उस आप बीच में क्यों बोले? जब नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, आसन बोल रहे हैं तो सुनिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए। जब आप बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, बैठ जाएंगे।